होते ही इंदौर शहर में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। इंदौर में लूट और डकैती की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जहां 3 दिन पहले कपड़ा कारोबारी के घर पर डकैती की वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया था, ठीक 3 दिन बाद इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में बैंक लूट की वारदात को बदमाशों ने अंजाम देते हुए पुलिस को खुला चैलेंज दिया। वहीं आला अधिकारी पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। इंदौर शहर के सबसे व्यस्त एरियों में से एक परदेशीपुरा चौराहे पर दिन दहाड़े बैंक लूट की वारदात को बदमाशों के द्वारा अंजाम दिया गया था। इस पूरे मामले में पुलिस लगातार जांच पड़ताल की बात कर रही है। पुलिस के आला अधिकारी से लेकर संबंधित थाना भी जांच में जुटा हुआ है। पुलिस की 10 टीम अधिकारियों के निर्देशन में लगातार जांच पड़ताल कर रही है। वहीं 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के द्वारा खंगाल दिए गए, लेकिन उसके बाद भी पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई। पुलिस का मानना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इंदौर शहर के साथ ही इंदौर के बाहर भी लगातार आरोपियों की जाँच की जा रही है। इसी के साथ 24 घंटे से अधिक समय पुलिस के द्वारा जाँच पड़ताल में बीत गया है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। वहीं अपनी नाकामी का ठिकरा पुलिस ने बैंक अधिकारियों पर फोड़ दिया। पुलिस का कहना है कि बैंक में शासन के नियम है, उसका पालन नहीं हो रहा, जिसके कारण बदमाशों के द्वारा आसानी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में पुलिस की जांच पड़ताल करते हुए घटना का खुलासा करती है। उस पूरे मामले में लगभग 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने देखे हैं, उसके अलग अलग टीमों ने। इसमें मुख्य जो आरोपी है उसकी फोटोग्राफ को पहचान कर लिया गया है। फोटोग्राफ्स उसमें आ गए हैं, स्पष्ट उसके फोटोग्राफ्स पुलिस के पास उपलब्ध हैं। इसमें अलग अलग जो संभावना के जो कुछ आरोपी हैं उनके बारे में पुलिस उन्हें चिन्हित कर रही है। इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लगभग 250 के आसपास पुलिसकर्मी अभी इसमें अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं, जो दूसरे जिलों में भी काम कर रहे हैं और यहाँ इंदौर में भी काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जल्द ही जो मुख्य आरोपी है उस तक हम पहुंच जाएंगे। इंदौर में अलग अलग थाना क्षेत्रों में लगातार लूट और डकैती की घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस के आला अधिकारी इंदौर में आरोपी तक नहीं पहुंच पा रहे। फिलहाल अब देखना होगा कि आने वाले समय में जो घटनाएं सामने आई है उनका खुलासा पुलिस कब तक करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सोमायरा न्यूज, इंदौर।